कि मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे और 18 साल की उम्र में जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना स्कूल जाना होता है, अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने की नौकरी में करता था, रहने के लिए घर नहीं था, फूट फाट पे सोना पड़ता था, ऐसे जिंदगी को जीकर लेकिन मेहनत ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में एक अच्छा मुकाम हमने हासिल किया आप लोगों के आशीर्वाद से। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है, इनके सुनने वाले कोई नहीं है। और तभी से मैंने मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर 2014 से लगातार बिहार में सामाजिक संगठन के नाते पूरे बिहार में गांव गांव घूमकर अपने लोगों को साफ करने लगा। बहुत सारे लड़ाई लड़ा कि हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज के बंगाल में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने लगा। लड़ाई लड़ते लड़ते मैं थक गया, मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं लेकिन उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। हर चुनाव आता था जब उनको कहते थे कि साहब ये हमारा काम कर दीजिएगा, तो चुनाव के समय कहते थे कि सहनी जी ये चुनाव जिता दीजिए फिर हम कर लेंगे, और हम लोग भी वही करते थे, उनको चुनाव जिता देते थे और फिर वो भूल जाते थे कि निशा समाज का भी कोई समस्या है। और 2018 तक इसी तरीके से सिलसिला चलते रहा। फिर मुझे लगा जो काम वो कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपके पास खुद ऐसी ताकत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ताकत दिया, संविधान दिया, और संविधान में आपके पास वोट गिराने का ताकत दिया, और आपके पास जो वोट है उसमें इतनी ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री उस वोट से बनता है, उस वोट में इतनी ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, वो वोट में इतनी ताकत है कि आपके पंचायत में मुखिया आपके उस वोट से बनता है। फिर हम लोग क्यों नहीं बनते हैं, दूसरे को बनाते आए हैं? फिर मैंने 2018 में पार्टी बनाया, लड़ाई लड़ा, 2019 में गठबंधन किया, लड़ाई लड़ा, 3 लोकसभा सीट पर हिंदुस्तान में पहली बार बिहार राज्य में निषाद का बेटा ने पार्टी बनाया, और जो लड़का दूसरे पार्टी में घूम घूम कर एक टिकट मांगने का काम करता था वो टिकट बांटने का काम 2019 में निषाद मल्ला का बेटा करने लगा। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, चुनाव हार गए, लेकिन हौसला हमने नहीं हारा। चुनाव में दो ही चीज होता है, हार या जीत, जब आप लड़िएगा तो दो परिणाम होगा, हार या जीत, और जब लड़ भी नहीं कीजिएगा तो ना हार होगा ना जीत होगा। और हमने आजादी के बाद 75 साल के बाद हम लोगों ने लड़ाई लड़ना चालू किया और उसमें हमें जीत हासिल नहीं हुआ लेकिन हौसला रहा और फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। 2020 में आपने देखा कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और बिहार के जनता ने हमारे पार्टी को आशीर्वाद दिया और 4 विधायक बनाया, और सिर्फ 4 विधायक कहने के लिए, लेकिन उसके पास वो ताकत था कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास 74 विधायक था, या श्री राज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास 42 विधायक था, तो इससे कम पावर नहीं था। अगर 74 वाला अगर समर्थन दे देता नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। उसी तरीके से अगर 4 वाला भी अगर समर्थन नहीं देता तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता नीतीश कुमार। ये ताकत आपके पास आया क्योंकि आपको पता है कि 122 विधायक जिसके पास होगा वही बिहार विधानसभा में सरकार बना पाएगा, और हम लोगों के पास टोटल 125 था, और 125 में से 4 माइनस कीजिए तो 121 पे आ जाता है और 121 पे सरकार नहीं बनता है। और उस समय में लालू प्रसाद यादव जी ऑफर दिए थे कि आप आ जाइए
डिप्टी सीएम बन जाइए, सारा विधायक को मंत्री बना दीजिए, राजपाल कोटा से एमएलसी होना 12, 6 आप ले लीजिए, 6 माझी जी ले लेंगे और आप हमारे साथ आइए। लेकिन हम निषाद के बेटा हैं, जवान के पक्के होते हैं, ईमानदार होते हैं, हम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते और हमने वही किया। हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया और हिंदुस्तान में पहली बार निषाद समाज ने गुलामी के जंजीरों ने तोड़ा। तब तक हमारे आवाज को जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचा पाते थे। हमारे साथ जो भी समस्या होता था, लड़ाई होता था, कोई भी घटना होता था, अपने गांव से जिला मुख्यालय तक भी अपनी आवाज को नहीं पहुंचाते थे। लेकिन 2020 में निषाद के दम पर हम अपनी आवाज को पटना तक पहुंचाने का काम किया। और सिर्फ पटना तक पहुंचाने का काम नहीं किया, पटना में जो सरकार था वो सरकार आपका था, आपके सहयोग से वो सरकार बना था। और सरकार का चार अगर पार्टनर है, उस एक चार पार्टनर में एक पार्टनर आप थे और आपके सहयोग से बिहार में सरकार बना था। आज हम लोगों ने काम कर रहा था, मजबूती से काम कर रहा था, लेकिन उन लोगों को हजम नहीं हुआ, उन लोगों को जिन्होंने हजारों साल से हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा था। आपको अभी हमारे अभिभावक ने कहा कि हम उस कुल खानदान से आते हैं, उस कुल खानदान से जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया था, हम उस मल्ला परिवार में जन्म लिए, हमारे वो ताकत है। इन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बगैर कुछ बने हुए पूरे बिहार में अपने समाज को इज्जत कर लिया, उनको अपने कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ने के लिए काम करने लगा। और इसके सामने में हम एक टिकट नहीं देते थे, एक टिकट के लिए उसकी सारी जिंदगी घुमा देते थे, ऐसे जात के साथ ऐसे समाज के बीच में ठिकाना सिंह देना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा। और आज अगर ये अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, दलित के लिए अगर ये काम करने लगेंगे, युवा के लिए काम करने लगेंगे, तो कल शायद इनके सामने में इजाजत भी देना पड़ेगा, एक समय आएगा एक से देना पड़ेगा। उन्होंने सोचा जो लोग बरसों से गुलाम बना है उनको फिर से गुलाम बनाते हैं, और उन्होंने हमारे पास आया कि आप पार्टी विलय कर लीजिए और आप हमारे साथ आइए, मंत्री बनिए और आपको आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाएंगे 2025 में। हमने कहा भैया, हम मुंबई से बिहार मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए, हम तो यहां पे आए हमारे समाज को आरक्षण मिले और आरक्षण आप लागू कर दीजिए, हम पार्टी विलय कर लेंगे। अगर आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो यह असंभव है कि यह पार्टी विलय होगा, क्योंकि आरक्षण पार्टी जो बना है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए बना है। और ये पार्टी का मैं अकेले मालिक नहीं हूँ, संपूर्ण पूरा बिहार का निषाद मालिक है, उनके सहयोग से ये पार्टी आगे चल रहा है। और इसलिए आपने भी हमें गठबंधन में लिया, आपको एहसास हुआ कि पूरे बिहार में निषाद समाज वीआईपी पार्टी के साथ हो चुका है, आपने वोट आपसे गठबंधन किया, आप आरक्षण लागू कीजिए फिर हम सोचेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो बात मानेंगे नहीं, अब पूरे भारत में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहा, उत्तर प्रदेश झारखंड पूरे भारत में काम कर रहा, तो इसको रोका जाए, क्योंकि बिहार में 2 साल चुनाव का है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में 2 साल है, तो इसको रोका जाए। जब रोकेंगे खत्म करेंगे, या ये झुक के हमारे गुलाम बन जाए, या ना तो ये खत्म हो जाए, अब नहीं खत्म होंगे तो इनके पैर हम पकड़ लेंगे। इनके रणनीति ये रहा, और उन्होंने देखा आपने क्या किया, आपके विधायक को तोड़ लिया, खरीद लिया, आपके मंत्रिमंडल से आपको बाहर कर दिया, जो काम हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद आपके जो सीट था बोछा में उन्होंने जबरदस्ती अपना कैंडिडेट दे दिया, तो ये आपके साथ किया, क्योंकि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन आप निषाद समाज जागरूक हो चुका है, आप निषाद का अपनी हक लेने के लिए आज मैं चाहता तो पार्टी विलय कर लेता और मैं मंत्री बने रहता और सपना देखता कि मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे आपकी जिंदगी जीता। लेकिन मेरा हैसियत क्या होगा, गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं होता। आज जिस तरीके से बिहार में नीतीश जी के मंत्री हो या मोदी जी की मंत्री हो, वो जो मोदी जी कहेंगे या नीतीश जी कहेंगे वही उनको मानना है। आपने सुना होगा हाल फिलहाल में हमारे मदन सहनी जी ने कहा था कि एक चपरासी नहीं सुनता है,
तो जब आप गुलाम बने रहेंगे तो सरकार कैसे सुनेगा? जब आप मालिक बनेंगे, अपने दम पर बनेंगे, तब आपको सुनेगा। मेरे विभाग में भी हमारे विभाग के सचिव जो थे वो हिरिंग बिलिंग कर रहा था। हमने कहा नीतीश जी ये जरूर ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो सुन नहीं रहे हैं, इनको 2 मिनट हटाइए। और नीतीश जी हटाए। बिहार के इतिहास में 17 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री के कहने से सचिव को बदल दिया हो, लेकिन हमने बदल दिया। श्रवण कुमार नाम से उनको हमने बदल दिया, क्योंकि हम नीतीश कुमार के मंत्री नहीं थे, ना ही मोदी जी के मंत्री थे, हम अपने पार्टी के मंत्री थे। हम गठबंधन के तहत इस सरकार का पार्टनर थे। हमारे विभाग को 7 निश्चय के तहत हमने विभाग को जोड़ा। 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट हमने अपने विभाग को दिलाया और पूरे बिहार में मजबूती से हम काम कर रहे थे। आज मैंने पॉलिसी बना रहा था कि गंगा जी में सिर्फ मछुआरा समाज के मछली, जो परंपरागत मछुआरा है, सिर्फ वही मछली मारेगा, दूसरे कोई भी जाति उस पर मछली नहीं मारेगा, किसी का अधिकार नहीं होगा। हम ये पॉलिसी बना रहे थे। हम क्या बना रहे थे? पूरे बिहार में 50 लाख मछुआरा का जो परंपरागत मछुआरा है उसको 6,000 रुपया, जिस तरीके से भारत सरकार ने 6,000 रुपया किसान को देता है, उसी तरीके से 6,000 रुपया मछुआरा भी तो एक किसान है, उनको 6,000 रुपया सालाना मिलता। और जून जुलाई और अगस्त में मछली जब अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारना होता है, उसके लिए भी सरकार के तरफ से 1500 रुपया महीने के हिसाब से मुआवजा मिलता है। 3 महीना सरकार को देना होता है, आपको 3 महीना का 4,500 रुपया मिलता, यानी कि 6,000 को और 4,500 ये यानी कि 10,500 रुपया हर साल एक एक मछुआरा को हर साल भारत सरकार से मिलता। ये हम पॉलिसी बना रहे थे, लेकिन इनको परेशानी हुआ और इन्होंने मंत्रिमंडल शासन का काम किया। साथियों, इसलिए साथियों आप लोग भाईचारा बनाए रखिए।